तो आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके मैं आ गया हूँ, मेरा खुद का पर्सनल हेयर केयर रूटीन। अब जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनके लिए जस्ट अ क्विक इंट्रो। हाय, माय नेम इज मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूँ और मुझे बाल बढ़ाते हुए लगभग 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। इन 2 सालों में मैंने बहुत गलतियां कमिट करी और उन गलतियों को सुधारते सुधारते मैंने अब अपना एक पर्सनल हेयर केयर रूटीन बनाया है जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके, तो हमारा पहला स्टेप हमारा हेयर केयर रूटीन में होगा ऑयलिंग। अब आपको बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग करने से आपके बालों में नरिशमेंट होती है, ये बात तो आपको आपके घर वाले बता चुके होंगे, पर कुछ छोटे गोल्डन रूल्स जो शायद आपके घर वालों ने आपके साथ नहीं शेयर किए होंगे, मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, तो हमारा पहला गोल्डन रूल है हीट अप द ऑयल। अब हमें तेल लगाने से पहले उसे थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए ताकि जो हमारी स्कैल्प है वो उस तेल को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। हमारा गोल्डन रूल नंबर 2 है यूज़ डिफरेंट ऑयल्स। अब हर ऑयल आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए आप जितने ज़्यादा ऑयल ट्राई आउट करोगे आपके बालों को उतना ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा। हमारा अगला गोल्डन रूल है अप्लाई ऑयल ऑन स्कैल्प। हमें हमेशा ऑयल को स्कैल्प पे अप्लाई करना है ताकि आपके जो पोर्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब करके आपकी हेयर बॉडी को एक अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो हमारा अगला गोल्डन रूल है मसाज जेंटली। अब आप जब भी अपने बालों की मसाज करो उन्हें हल्के हाथों से करो। अगर आप ज़्यादा तेज़ हाथों से करोगे तो उससे आपके बालों की रूट्स डैमेज होंगी और वो आपके बाल टूटने का रीज़न बनेंगी और यही सेम चीज़ लॉन्ग रन में आपके गंजेपन का रीज़न बन सकती है। अब रही बात ड्यूरेशन की, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप ओवरनाइट लगा के भी छोड़ सकते हो और बाल धोने से 1-2 घंटे पहले भी ऑयलिंग कर सकते हो। आप ये दोनों ट्राई आउट करके देखो और देखो कि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स किस में मिल रहे हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे हमारे हेयर केयर रूटीन के, वो है वॉशिंग योर हेयर। अब बाल धोने के लिए वापस से वही गोल्डन रूल अप्लाई होगा, वॉश देम जेंटली। आप अपने बालों के साथ कुछ भी कर रहे हो प्यार से करो। आपके बाल कमज़ोर हैं, आपके बाल आपके साथ कुश्ती लड़ने के लिए नहीं बने, इसलिए थोड़ा प्यार से रहो और क्या। हमारा अगला गोल्डन रूल है आपने ऑयलिंग भी स्कैल्प पे करी थी तो अब आपको ऑयल निकालना भी स्कैल्प से ही है, इसलिए अपने बालों में शैम्पू लगा के अपनी उंगलियों से सर्कुलर मोशन में आपको अपने स्कैल्प से ऑयल को निकालना है। अब अगर आप लोग मेरा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं सल्फेट और पैराबिन केमिकल शैम्पूज के कितना अगेंस्ट हूँ, इसलिए मैं यूज करता हूँ मैन डिजर्व का डेली स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग शैम्पू। ये सल्फेट एंड पैराबिन केमिकल फ्री होने के साथ साथ क्रिएटिन प्रोटीन एंड नेचुरल विटामिन ई रिच भी हैं जो आपके बालों को स्ट्रेंथ और मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के साथ साथ हेयर फॉल को भी कंट्रोल करते हैं। मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इसे एक बार ट्राई आउट करके जरूर देखो। ओके, तो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे जो कि है स्टाइलिंग योर हेयर। अब अपने बालों का इतना ध्यान रखने के बाद फाइनली बारी आती है उन्हें स्टाइल करने की। अब बालों को धोने के बाद और उन्हें थोड़ा सा सुखाने के बाद मैं यूज करता हूँ मैन डिजर्व का डेली स्ट्रेंथनिंग हेयर सीरम। मैन डिजर्व का हेयर सीरम बना है आर्गन और हेम्प सीड ऑयल से, जो आफ्टर शैम्पू मेरे बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के साथ साथ उन्हें थोड़ा वेट लुक भी देता है। इसी के साथ साथ ही हमारी कंट्री के गर्म वेदर से बचने के लिए हमारे बालों को यूवी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब सिरम को मैं ऑयल के ऊपर इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऑयल लगाने से आपके बालों के अंदर एक स्टिकी टेक्सचर आ जाता है, एक ऑयली टेक्सचर आ जाता है। वेयर एज जब आप एक सिरम लगाते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके बालों के एस्थेटिक्स बढ़ाता है, ये आपको एक नॉन ऑयली टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो ये था मेरा कंप्लीट हेयर केयर रूटीन जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको मैन डिजर्व के कोई से भी प्रोडक्ट चेकआउट करने हो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो मेक श्योर यू चेक देम आउट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।